frequency response of internally compensated op amp. देखिए जो जो हमारी ऑपरेटिंग रेंज होती है गेन की वो क्या होती है, लीनियर स्केल होती है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे लॉगरिथमिक स्केल में एनालाइज करते हैं, और जो वोल्टेज गेन होती है उसे डेसिबल में एक्सप्रेस किया जाता है, और यूनिटी गेन बैंडविड्थ जो कि UGB होती है वो 741C के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 MHz होती है, और जो 741C है उसी जो सिंगल ब्रेक फ्रीक्वेंसी है जिसे FO से डिनोट किया जाता है वो यूनिटी गेन बैंडविड्थ से पहले होगी. यानी कि जो ब्रेक फ्रीक्वेंसी हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व के अकॉर्डिंग देखते हैं जो कि इंटरनल कंपनसेटेड ओप एम्प के लिए है, ओपन लूप वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच में जिसे ड्रॉ किया जाएगा ये कुछ इस तरह से होता है. देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी इस पॉइंट तक ये FO से इसे डिनोट किया जाता है, ये सिंगल ब्रेक फ्रीक्वेंसी होती है, ब्रेक फ्रीक्वेंसी जिसके बाद गेन क्या होता है डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, और जो कि यूनिटी गेन बैंडविड्थ जो कि यहाँ पे होती है इससे पहले होती है, यानी जीरो से FO तक जो गेन है वो कॉन्स्टेंट रहता है. जो ब्रेक फ्रीक्वेंसी होगी FO वो उसका जो लूप गेन होगा वो डाउन होगा 3 dB, और जो वैल्यू होगी वो 0 Hz DC के लिए होगी, और जो गेन होगा ओपैम का वो कांस्टेंट रहेगा 0 Hz से ब्रेक फ्रीक्वेंसी तक. देखिए यहाँ से 0 Hz से ये 0 Hz है और ब्रेक फ्रीक्वेंसी FO यहाँ तक क्या है गेन कांस्टेंट रहता है. उसके बाद ये डिकेड होना स्टार्ट हो जाता है, और जो ओपन लूप बैंडविड्थ होगी 741C की वो अप्रोक्सीमेटली 5 Hz तक होती है. 741 ओपैम इसमें 30 pF कैपेसिटर यूज किया जाता है इंटरनल कंपनसेटिंग कंपोनेंट्स में जो कि कंट्रोल यानी कि जो ओपन लूप गेन है उसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है. और अगर 741 कॉन्फ़िगरेशन एज अ क्लोज लूप एम्पलीफायर इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग यूज कर रहे हैं तो इसमें ओनली रेजिस्टिव कंपोनेंट्स होगी, और गेन जो होगा वो ऑलवेज रोल ऑफ होगा, और डेट होगा 20 dB पर डिकेड जिसमें जो वैल्यू होगी क्लोज लूप गेन की वो रिगार्डलेस होते हैं. जनरली इसमें जो ओपन लूप बैंडविड्थ होती है वो बहुत कम होती है, और जो 741 ओपैम्प होता है उसकी जो ओपन लूप बैंडविड्थ होती है ब्रेक फ्रीक्वेंसी वो 5 Hz तक होगी. ये हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है इंटरनली कंपनसेटेड ऑफ ओपैम्प. थैंक यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू.